ठीक है, नेक्स्ट कैसे लिख लिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, टेन इनवर्स 5x, ठीक है, सही से लिख लो, टेन इनवर्स 5x। तो चलो कंबाइन करते हैं पहले, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5x हो गया। ठीक है, तुम निकाल दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, फोर एक्स अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5x हो गया। तो एक तो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो, ये एक आंसर आ गया। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर बाई फाइव इज इक्वल्स टू वन माइनस थ्री एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, थ्री एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस फोर बाई फाइव हो गया, तो यहाँ से कितना जाएगा, थ्री एक्स, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वन बाई फाइव, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, वन अपॉन फिफ्टीन। ठीक है, तो एक्स यहाँ से कितना आ गया, प्लस माइनस रूट वन बाई फिफ्टीन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम क्या कर लो, इसको वेरीफाई कर लो, जैसे एक्स को अगर तुम जीरो रखोगे तो सभी में यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स जीरो, प्लस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स जीरो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5x हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, राइट, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये सही है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, और एक फिर उसके बाद तुमने क्या रखा, जैसे तुम अगर ये रखते हो, ठीक है, प्लस माइनस अगर ये रखोगे, एक बार तुम अगर प्लस रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इस टर्म में, इन सारे टर्म में यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस, इसका मतलब सही है, दो प्लस के एडिशन में प्लस आ ही जाएगा। और जब तुम यहाँ पर माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब तीनों मेरे आंसर आ रहे हैं, एक जीरो आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना देगा, वन बाय रूट फिफ्टीन आ गया, और एक कितना गया, माइनस वन बाय रूट फिफ्टीन आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले लिया, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, प्लस यहाँ लिख लिया टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो चलो पहले कंबाइन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, और पाई बाई फोर को तुम कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पर इसको हमने किसी को काटा नहीं, हमने पूरा ईमानदारी से इसको एलसीएम लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और डिनोमिनेटर कट गया, ये कितना लिखा है यहाँ पर, टेन इनवर्स वन लिखा है। अब तुम टेन इनवर्स काट दो, तो देखो यहाँ से तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, एक तो आ जाएगा एक्स प्लस टू कॉमन आते हुए दिख रहा है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वन हो गया इधर से, ठीक है, प्लस वन हो जाएगा, राइट, ये ठीक है। तो तुम देख लो और क्या बन रहा है, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा यहाँ से टू एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, फोर एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू, यहाँ पर कितना है, टू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस फाइव, अंदर ले जाओ इसको, तो ये कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस ये फोर एक्स हो गया, यहाँ पर फोर एक्स प्लस फाइव हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव, एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर, फाइव बाई टू। ठीक है, एक्स यहाँ से कितना आ गया, प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, फिर से तुम देख लो यहाँ पर, अगर तुम यहाँ पर नेगेटिव रखते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, पर यहाँ पर ये पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव आएगा, दैट इज प्लस रूट फाइव बाई टू। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, और ठीक है, नेक्स्ट कैसे लिख लिया, टू कॉट इनवर्स टू लिख लिया, माइनस यहाँ पर लिख लिया कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव लिख लिया, दिस इज इक्वल्स टू ऐसे लिख लिया कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसमें सब कुछ अलग अलग फंक्शन लिखा है, तो सब एक में कन्वर्ट करो, तो सबसे अच्छा तो कन्वर्ट करने का ये है कि तुम टेन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे इसके लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर फोर हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स थ्री बाई फोर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख लिया टू टेन इनवर्स,
हाफ लिख लिया, फिर तुम क्या करो इसको थीटा मान लो, जैसे ये जो लिखा है ना इसको तुमने थीटा माना, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स हाफ हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये हाफ हो गया, फिर एक काम करो यहाँ से तुम टेन टू थीटा लिखो, ठीक है। वैसे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता ही चुका हूँ फॉर्मूला, जैसे एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था याद करो, ऐसा कुछ था टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे कुछ था टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा था हमने ऐसे, बेसिकली यहाँ से वही आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर ये लिखूंगा तो एग्जैक्टली यही तो लग रहा है इधर, तो हमने क्या किया डायरेक्टली यूज कर लिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर एक्स कितना है हाफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू हाफ, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके जगह ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जगह वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ पर कितना है टेन इनवर्स, ये हो जाएगा थ्री बाई फोर, इसको फिलहाल अभी वैसे ही रहने दिया है कोसेक इनवर्स एक्स, सही है। तो तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा वन माइनस वन बाई फोर हो गया, और यहाँ तो वन हो गया, ठीक है। तो और लिख लो इसको, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फोर, और यहाँ पर कितना आ गया थ्री, माइनस ये कितना लिखा है टेन इनवर्स थ्री बाई फोर, दिस इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब तुम क्या करो इसको कंबाइन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, फोर बाई थ्री माइनस ये कितना है थ्री बाई फोर अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा वन प्लस फोर बाई थ्री इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर, ठीक है। तो और यहाँ से ये और कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो नीचे तो देखो तुम्हें दिख रहा है टू आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन अपॉन यहाँ पर कितना हो गया ट्वेल्व आ गया, ठीक है। तो ये और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कितना हो गया ऊपर सेवन हो गया, और नीचे यहाँ पर कितना हो गया ट्वेंटी फोर, दिस इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तुम क्या करो ट्रायंगल लगा के इसको भी तुम क्या करो कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ऐसे सेवन लिखा है ट्वेंटी फोर लिखा है, तो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव हो गया। तो यहाँ से कोसेक कैसे लिखोगे, देखो इधर लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, क्या लिखते हैं हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो ये आ गया, तो यहाँ से कितना हो गया कोसेक इनवर्स एक्स आ गया, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया ट्वेंटी फाइव बाय सेवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आ गया, सही है, पॉजिटिव आ सकता है, चेक करके देख लो तुम। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और लेते हैं चलो क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट कैसे लिख लिया, ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स फोर्टीन अपॉन मॉड एक्स प्लस यहाँ पर लिख लिया साइन इनवर्स, ठीक है, टू रूट फिफ्टीन अपॉन फिर से मॉड एक्स लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या करो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को तुम टी मान लो, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स फोर्टीन बाई टी आ गया, दिस इज इक्वल्स टू एक साइड ले जाओ दूसरे को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स टू रूट फाइव अपॉन टी आ गया, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, टू अपॉन रूट फिफ्टीन बाई टी हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या करो किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये देखो ट्रायंगल से कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा फोर्टीन, ये टी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर्टीन हो जाएगा, फोर्टीन का स्क्वायर राइट, इस तरह से। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है वन नाइन सिक्स अपॉन यहाँ पर कितना हो गया टी, दिस इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया कॉस इनवर्स टू रूट फिफ्टीन अपॉन टी हो गया। अब तुमने क्या किया इसको इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा रूट वन माइनस टी अपॉन यहाँ पर कितना हो गया टी, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा टू रूट एक्स अपॉन टी, ठीक है। टी को हमने क्या किया काट दिया और बोल दिया कि टी जीरो नहीं हो सकता, अरे सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, टी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स भी यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा, सही भी है क्योंकि एक्स यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में तो लिखा है, यहाँ पर देखो ऊपर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया टी नॉट इक्वल टू जीरो। फिर तुम यहाँ पर क्या करो स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा कुछ, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा फोर इंटू फिफ्टीन, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन नाइन सिक्स प्लस यहाँ से कितना आ गया ये सिक्सटी हो गया, इसको तुम ऐड करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये टू फिफ्टी सिक्स, ठीक है। तो यहाँ से टी कितना आ गया, ठीक है, टी स्क्वायर जब तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे प्लस सिक्सटीन और माइनस सिक्सटीन, पर हमें पता है कि टी यहाँ पर कितना है मॉड एक्स है, तो हमने क्या किया माइनस सिक्सटीन वाले को रिजेक्ट कर दिया, आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बस यहाँ से जब तुम एक्स ओपन करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा प्लस माइनस सिक्सटीन आ जाएगा,
ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो x जो आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस 16, तो उसके लिए मॉड x तो हमेशा क्या होगा, 16 ही होगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ऊपर ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखा हुआ है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर लिख दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर लिख दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया इसको, किसी को कंबाइन कर, इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस ये जगह एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सही है, प्लस यहाँ पर क्या रह गया, टेन इनवर्स एक्स रह गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3x हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x हो गया। ठीक है, तो देखो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर एक साइड तो ये इसको हमने छोड़ दिया इधर, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे टर्म को क्या किया हमने उस साइड ले गए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या किया, मतलब दो को हमने कंबाइन किया, चार में से दो को कंबाइन कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे फायदा ये होगा कि तीन तुम्हें कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम क्या करो, यहाँ से इसको निकाल दो, तो यहाँ पर कितना देगा 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी ये 2x आ रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो एक आंसर कितना गया, x इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में यहाँ पर, कॉमन निकाल के, तो यहाँ से अब क्या बच जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर हो गया। ऊपर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बाई 2। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम यहाँ पर क्या करो, जैसे तुम यहाँ पर सबको जीरो रखते हो, तो जीरो रखोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं इसको। जैसे चलो एक्स को अगर मैंने जीरो रखा, ठीक है, तो देखो पहला वाला टर्म देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा टेन इनवर्स माइनस 1, ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। सही है, ये माइनस पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 है, तो मतलब जीरो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे अब तुम क्या करो, 1 हाफ से भी करोगे तो सब पॉजिटिव आ जाएगा, सब जगह पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हाफ से भी सब जगह नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू 0 हाफ, और ये माइनस हो गया। ठीक है, ओके, एक और ले लेते हैं चलो। ठीक है, नेक्स्ट कैसे ले लिया, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पर लिख लिया टेन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 23/36। ठीक है, तो चलो इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ये कितना है 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा 23/36। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, टेन इनवर्स निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 2x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 2 2x माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा x माइनस 1। सही है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस ये कितना जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 23/36। ठीक है, तो तुम एक काम करो, इसको ओपन करो पहले, तो यहाँ से ऊपर से देखो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर ठीक है प्लस x हो गया माइनस 2x हो गया माइनस 1, यहाँ से कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x हो गया और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 1 हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x हो गया और ये कितना हो गया प्लस 1 हो गया, ये कितना यहाँ पर 23/36। तो तुम देख लो ऊपर क्या क्या बन रहा है, 4x स्क्वायर ठीक है, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर से माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3x हो जाएगा, तो ये माइनस 4x हो गया। ठीक है, और 1 कट गया राइट, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, क्या क्या टर्म्स कट रहे हैं, यहाँ देख लो ये वाले टर्म कट रहे हैं, ये वाले टर्म कट रहे हैं,
और ये तो ऐड ऑफ हो रहा है राइट, तो यहाँ से कितना जाएगा 6x हो जाएगा, और 1 कट रहा है तो सिर्फ 6x आ गया, तो यहाँ से कितना गया 23/36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो ऊपर से एक एक्स कट जाएगा, तो हमने बोल दिया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे काट रहा हूँ तो ये कटना नहीं चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए राइट। यहाँ पर से क्या बच जाएगा, फोर बच गया, 4x-4/6 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 23/36, इसको यहाँ से काट लिया तो ये कितना हो गया यहाँ पर 4 आ गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऊपर लेके जाओगे यहाँ पर तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर लिख रहे हैं 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16-x, और ये कितना हो गया 23 हो गया, तो यहाँ से x-1 कितना हो गया 23/16 हो गया, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 23/16+1, तो यहाँ से x कितना हो गया ये हो जाएगा 39/16। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, रख के देखोगे तो भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ये प्रूफ, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ले लेते हैं चलो। ठीक है, 11 कैसे ले लिया, मैंने बोल दिया इफ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ 3 cot² θ + 10 cot θ + 3 = 0 इज K π/2। ठीक है, फाइंड के, तो ये तो देखा जाए तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, पर ठीक है देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये तो बहुत इजीली फैक्टराइज हो रहा है, ये कितना जाएगा 9 cot θ + यहाँ पर कितना हो गया cot θ + ये कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ से क्या किया तुमने 3 cot θ कॉमन निकाला, ये तो तुम कर सकते हो अपने आप, यहाँ से कितना देगा 3 हो जाएगा प्लस ये कितना जाएगा cot θ + 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना गया cot θ + 3 और यहाँ से आ जाएगा 3 cot θ + 1 हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर कितना गया cot θ = 1, तो -3 आ गया और एक कितना गया -1/3 आ गया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, एक और चीज लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन इन ऐसे बोल दिया थीटा बिलोंगिंग फ्रॉम 0 से लेके 2π, क्योंकि ये लिखना जरूरी है ना, ये तो तुम कितना निकालोगे। ठीक है, तो मतलब एक सर्कल में मुझे चाहिए यहाँ पर, तो सम ऑफ द सॉल्यूशन अगर तुम्हें यहाँ पर लिखना है तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा। जैसे मुझे पता है कि कॉट इनवर्स जो माइनस जो कॉट जो -3 होता है वो कहाँ देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। अरे समझ में, और -1/3 भी कहाँ देगा, सेकंड और फोर्थ में देगा। तो हमने क्या किया, तुम्हें अगर याद हो तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें बताया था कि कॉट थीटा ये जो -3 लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए क्या करो, भूल दो। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स 3 हो गया, और इसको बनाओगे किधर, इसको बनाओगे सेकंड और फोर्थ में, तो देखो ये एक ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक थीटा है और दूसरा वाला थीटा यहाँ पर हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये अगर यहाँ पर इस तरह से है तो ये पूरा एंगल यहाँ से अगर काउंट करते हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको तुम ऐसे लिखोगे π - cot inverse 3। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में लिखो, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 2π - ये कितना हो जाएगा cot inverse 3 हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, जो आंसर देखो यहाँ से निकल रहा है, जो cot θ = -3 है, तो इसके आंसर क्या आ गया, एक तो π - cot inverse 3 आ गया, और दूसरा कितना आ गया 2π - ये कितना हो जाएगा cot inverse 3 आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वैसे तुम यहाँ पर क्या करो एग्जैक्टली, अगर मैं इसके लिए भी यहाँ पर करूंगा ये कितना देगा, जैसे यहाँ पर -1/3 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले तो तुम क्या करो माइनस साइन को भूल जाओ, यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा cot inverse 1/3 हो जाएगा, तो इसको भी तुम कहाँ बनाओगे, सेकंड और फोर्थ में तो बनाओगे। तो अगर तुम यहाँ पर सेकंड और फोर्थ में बनाओगे तो ये इसी तरह से तो लिखा जाएगा जिस तरह से ये लिख रखा है। जैसे इसके लिए हमने क्या बोल दिया cot जो -1/3 है, इसको भी तुम ऐसे लिखोगे π - cot inverse 1/3 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π - cot inverse 1/3 हो जाएगा। ऐसे तो लिखोगे तुम, क्योंकि दोनों एक ही तो क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव है इसलिए, ठीक है, इसलिए सेकंड और फोर्थ में आ गया। अगर एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता तो तुम्हें फिर यहाँ पर अलग से इसको फिर से बना के लिखना पड़ता। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इन सबका सम निकालना है, तो हमने क्या किया, सम निकालोगे तो तुम देख सकते हो π, 2π, π, 2π, तो यहाँ से कितना गया 6π, तो ऐसे ही आ रहे हैं। माइनस साइन अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है cot inverse 3, ठीक है cot inverse 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से
मतलब 2 टाइम्स कॉट इनवर्स 3 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉट इनवर्स 1/3 आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, कॉट इनवर्स 3 लिख दिया, और इस वाले को हमने ऐसे लिख दिया टेन इनवर्स 3। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से फायदा ये है कि ये सब कुछ किस में बदल जाएगा, पाई में बदल जाएगा। तो यहाँ से देखो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस ये 2, और इसकी वैल्यू तो कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर कितना आ गया, यहाँ से आ गया 5 पाई। पर तुम्हें आंसर किस फॉर्म में देना है, तुम्हें आंसर इस फॉर्म में देना है, राइट। तो तुमने इस 5 पाई को कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया 10 पाई बाई 2। यहाँ से के कितना आ गया, 10 आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिस फॉर्म में आंसर देना है उस फॉर्म में ही निकालना चाहिए। तुमने अगर के को 5 बोल दिया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है।